नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। दोस्तों आज हम हैं नगर कैसल में। नगर कैसल मनाली से लगभग 23 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप अपनी गाड़ी से आते हैं तो 40 से 45 मिनट का सफ़र या लगभग एक घंटे का सफ़र आपको करना होगा यहां तक पहुंचने के लिए। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया एक किला है जो हिमाचल की जो संस्कृति है उसको प्रदर्शित करता है। और इस किले की सबसे बड़ी विशेषता ये है जो आपको सामने अपने बोर्ड में दिख रही है, यहाँ पे बहुत सारी बॉलीवुड मूवी की शूटिंग हुई है, जैसे द हीरो, रोज़ा, जब वी मेट, बरसात, तेरे ना लव हो गया, बैंग बैंग, ट्यूबलाइट, इस तरह की बहुत सारी मूवी की शूटिंग हुई है यहाँ पे। इसके सराउंडिंग्स में भी बहुत सारे अट्रैक्शन हैं जो आपको इस मैप में दिख रहे हैं। सबसे विशेष बात इस किले की ये है कि अगर आप यहाँ पे स्टे भी करना चाहते हैं, रुकना भी चाहते हैं, तो वो फैसिलिटीज़ भी है, क्योंकि इस किले को अब हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट ने, जो पर्यटन विभाग है, उसने इसको टूरिस्ट अट्रैक्शन के साथ साथ इसको एक होटल में भी कन्वर्ट कर दिया है, जिसमें यहाँ पे रूम्स हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल जानने के लिए नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों अंदर एक इन हाउस रेस्टोरेंट भी है जिसको हम आपको दिखाते हैं उस रेस्टोरेंट को, और सामने आपको माता जी का मंदिर दिख रहा है। दोस्तों जब भी आप इस नगर कैसे लाएंगे ना, तो आपको एक ही गाना सबसे ज़्यादा सुनने को मिलेगा, जब वी मेट का ये इश्क हाय जो गाना था, उसकी शूटिंग नगर कैसल में हुई और इसी जगह हुई। अगर आप उस पूरे गाने को देखेंगे और फिर यहाँ पे आएंगे तो आपको एक एक चीज़ का फील आएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव इंडियंस में। आज हम हैं कुल्लू मनाली डिस्ट्रिक्ट के नगर कैसल में। दोस्तों इस कैसल की विशेषता ये है कि इसका निर्माण पत्थरों और लकड़ियों से हुआ है, और वो पत्थर और लकड़ियों को जोड़ने के लिए किसी भी तरह के धातु का इस्तेमाल नहीं हुआ। ये बहुत ही विशेष बात है। और आप किले को देखिए, आज भी 16वीं शताब्दी में इसका निर्माण प्रारंभ हुआ था। राजा सिद्धि सिंह ने इसका निर्माण करवाया था, उन्होंने उसके निर्माण की शुरुआत करवाई थी। और आज भी इतना समय होने के बाद भी ये अपनी जगह पे बिल्कुल वैसे ही टिका हुआ है। आइए आपको दिखाते हैं इसके कुछ दृश्य, आप देखिए और एंजॉय करिए एक अच्छे से एक किले को, जो कि एक नेशनल हेरिटेज भी है। और आप चाहें तो यहाँ पे होटल की बुकिंग करा सकते हैं, रूम्स की बुकिंग करा सकते हैं और रह भी सकते हैं। आप अगर मेरे पीछे देखेंगे तो आपको देखिए रूम दिखेगा जिसकी बुकिंग होती है, और ये है डिलक्स रूम, अंदर से बंद है तो अभी हम आपको दिखा नहीं सकते। और अभी हम आपको इसके रेट भी बताएंगे कि आप कितने कितने रेट में होटल ले सकते हैं, कितने रुपए में लेकर यहाँ पे रुक सकते हैं, अपनी छुट्टियों को एंजॉय कर सकते हैं, परिवार के साथ आकर एक अच्छी जगह पे रुक सकते हैं। धन्यवाद। दोस्तों अगर आपने सनी देओल की एक मूवी देखी हो द हीरो, तो द हीरो में भी यहाँ इस मूवी के बहुत शॉट्स हैं। और ये जो सीन है, एक सीन उस मूवी में दिखाते हैं, पाकिस्तान का सीन है, और यहाँ से अमरीश पुरी और उनके जो ISI के लोग होते हैं, जो भी मतलब उनके साथ के लोग होते हैं, वो यहाँ से नीचे उतर रहे होते हैं। तो ये सीन बहुत ही ज़्यादा मुझे याद है, जब भी मैं यहाँ पे उतरा तो मुझे वो सीन बिल्कुल याद आ गया। और ये यहाँ पे महल में इस्तेमाल की जाने वाली कुछ चीज़ें रखी हुई थी नीचे की तरफ, जिसको एज म्यूज़ियम की तरह एक पार्ट बनाया गया था। ये जो चित्रकारी है ये शायद बाद में बनाई गई होगी। एक ऐसा डिस्प्ले दिया गया था कि कैसे जब बाज़ार होते थे या वहाँ पे लोग जो रहते थे किन किन चीज़ों का यूज़ करते थे वो लोग ज़्यादा, तो ये सब चीज़ें हैं। ये देखिए, ये रेनू एक ऐसा बिगुल टाइप का होता है ना, इसको बजा कर ट्राई भी करने लगी तो मैंने कहा मत बजाओ यार, राजा की सेना में ना आ जाएगी, बेकार में युद्ध छिड़ जाएगा अभी। और ये पीछे की तरफ भी कुछ पुरातत्व वाली चीज़ें थीं, जो पहले की बनी हुई मूर्तियाँ थीं पत्थरों में जो केरी आती थी वैसे है। अभी हम आए हैं इसमें अंदर की तरफ भी देखिए, वॉल पे भी कुछ जो पुरानी चीज़ें थीं जो यहाँ पे इस्तेमाल कर दी जाती थी सजावट के लिए या डिस्प्ले के लिए, वो भी रखी गई हैं यहाँ पे। और देखिए कितनी अच्छी कलाकारी है इनमें, और इस तरह की जो कलाएं हैं ये मुझे नहीं लगता कि हिमाचल के अलावा कहीं और भी देखने को मिलती होंगी, तो बहुत ही अलग कलाएँ हैं यहाँ पर। अभी हम चल रहे हैं ऊपर रेस्टोरेंट की तरफ। ये ऊपर की तरफ स्टेयर्स जाती हैं, ये सीधे रेस्टोरेंट में खुलती हैं।
नीचे से भी एक स्टेयर जाती हैं जो ऊपर की बालकनी की तरफ जाती हैं। तो ये देखिए, ये रेस्टोरेंट है जो अंदर की तरफ है, और इसी रेस्टोरेंट में आप थोड़ा सा ओपन बालकनी में भी बैठ सकते हैं। बालकनी में भी बैठने की जगह बनी हुई है रेस्टोरेंट में। ये चारों तरफ आप देखिए, इस कैसल का जो अंदर का हिस्सा है, ये एक अंदर का व्यू है और बहुत ही अच्छी फोटोग्राफ आती है। दोस्तों, हमारी इस ट्रिप की फ़ोटो को देखने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब करिए। सॉरी, सब्सक्राइब नहीं होता है, इंस्टाग्राम पर फॉलो होता है, तो प्लीज़ आप उसे फॉलो करिए। और ये आपको सामने रूम दिख रहा है, जहाँ पर अगर आप कभी रूम बुक कराते हैं तो आप यहाँ पर रह सकते हैं। रूम्स की डिटेल के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ का वेबसाइट और एड्रेस मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। ये हम आपको एक बस व्यू दिखा रहे हैं बालकनी का, और बालकनी से दूर तक कैसे दिखता है ये आप देख सकते हैं। अभी हम आ गए हैं नीचे की तरफ, ऊपर जो बालकनी थी वहीं से नीचे की तरफ आ गए हैं, और यहाँ से आपको दिखाते हैं व्यू। यहाँ भी रूम्स हैं, आप चाहें तो कभी भी रूम बुक यहाँ की भी कर सकते हैं। दोस्तों, इस किले को देखकर आप एहसास कर सकते हैं कि जिस समय ये बना होगा 16वीं शताब्दी में, कितनी मेहनत से बना होगा। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे जितना भी सामान लाया गया है, पत्थर, लकड़ियाँ, ये किसी गाड़ी पे लोड करके नहीं लाया गया है, ये केवल और केवल मानव श्रृंखला बनाकर, जहाँ से है वहाँ से मानव श्रृंखला बनाकर, पुरुष और स्त्रियों की मानव श्रृंखला बनाकर तब उन्हें लाद के लाया गया है। और आप इसकी नक्काशी, इसकी कलाकारी देखिए, कितना बढ़िया, कितना मनमोहक है। और ये देखिए, आप जैसा मैंने बताया कि ऊपर और नीचे यहाँ पे आप लोग रह भी सकते हैं, तो आप इसे एज अ होटल की तरह बुक भी कर सकते हैं। उसकी डिटेल हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, आप जब भी चाहें आप उसे बुक कर सकते हैं। यहाँ पे इन हाउस रेस्टोरेंट भी है, और यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। और आप देखिए, कितना अच्छा व्यू आपको यहाँ से मिल रहा है देखने के लिए। सामने पहाड़, इस साल बर्फ़ थोड़ी कम है, जिस वजह से ज़्यादा बर्फ़ नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिए, सामने आपको बर्फ़ के पहाड़ बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं। और जिस समय जब बहुत अच्छी स्नोफॉल होगी, उस समय मनमोहक दृश्य है यहाँ से बिल्कुल, तो बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। दोस्तों, अभी हम आ गए हैं ऊपर की तरफ वापस, जहाँ पे रेस्टोरेंट हैं। हम काफ़ी पहले आए थे, हमें भूख भी लगी थी, हमने कहा चलो कुछ ना कुछ यहाँ पे खाना ज़रूर चाहिए। ये सामने नो स्मोकिंग का बोर्ड लगा हुआ है। नो स्मोकिंग, दोस्तों मैं भी कहूँगा कि आप कभी भी ऐसे स्मोक मत करें बालकनी में, क्योंकि हवा तेज़ चल रही है और आपकी सिगरेट बुझ सकती है। तो इसलिए अपनी सिगरेट की सुरक्षा आप स्वयं करिए, और आप बालकनी में स्मोक मत करिए, बहुत तेज़ हवा चल रही थी वहाँ पर। ये दोस्तों रेस्टोरेंट का अंदर का व्यू है, और चलिए कुछ खाते हैं अब, क्योंकि भूख भी हमें बहुत लगी है। दोस्तों, ये सामने मेन्यू है, और हालांकि ऐसे वीडियो में मेन्यू क्या ही दिखेगा, लेकिन फिर भी खाना ठीक था, यहाँ का अच्छा था। हम आगे आपको दिखाते भी हैं कि हमने क्या ऑर्डर किया है और क्या खाया है यहाँ पर रेस्टोरेंट में। और हमने यहाँ पर ऑर्डर किया है चना भटूरा, एक चाय और एक लाइम सोडा वाटर। देखते हैं, ऑर्डर हमारा आने वाला है 10 से 15 मिनट में, देखते हैं कैसा खाना है यहाँ का, और आपको दिखाते हैं हम लोग, और खा के बताते हैं कैसा स्वाद है। और यदि अच्छा है तो आप आके ट्राई ज़रूर करिएगा। जब भी जिस चीज़ का इंतज़ार था वो हमें अभी आ गया है। ये है हमारा छोला, ये भटूरा, ये है चाय, शुगर अलग से, शुगर क्यूब्स, अभी लाइम सोडा आना बाकी है। देखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अब खा के देखते हैं, फिर आपको बताते हैं कैसा है इसका स्वाद। खाना ख़त्म करके दोस्तों हम लोग नीचे आए, मैं और रेनू दोनों नीचे आए, और उसके बाद हम वापस जाने लगे, क्योंकि हमें इसके बाद हिडिम्बा देवी जी भी जाना था और मॉल रोड भी जाना था। तो दोस्तों, ये हमारी कुछ नई वीडियो थी, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी। हालांकि बहुत कमियां थी, क्योंकि ये पहली ब्लॉगिंग जो थी, पहली बार वो हमने करी थी, और किसी पर्सनल रीज़न की वजह से हम इसे अभी तक एडिट नहीं कर पाए थे, तो अब हम इसे काफ़ी लेट
एडिट करके इसे अपलोड कर रहे हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो को देखिए आप, हिडिंबा देवी जी में हमने कितनी मस्ती करी, वहाँ पे कुछ जो गेम्स थे उनको भी हमने खेला, आपको दिखाते हैं हम आगे अपनी इस वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।